नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निशान शेखर सिंह हिंदी पर। जैसा कि मित्रों हमने चर्चा किया था शब्द रचना में, और शब्द रचना में हमने तीन पार्ट पढ़ लिया है, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया। आज हम चर्चा करेंगे विशेषण पर। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न न बनता। आइए पढ़ते हैं विशेषण को। देखिए, विशेषण है संज्ञा या सर्वनाम। विशेषण क्या होता है? जैसा कि हमको शब्द से ही पता है कि जो विशेषता बतलाए, जो शब्द की विशेषता बतलाए, शब्द कैसा हो, या तो संज्ञा हो या तो सर्वनाम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, ऐसा हम लोग सामान्य परिभाषा में पढ़ते हैं। परंतु हमारे एक साथ केवीएस में या टीजीटी के किसी एग्जाम में ये परिभाषा दी हुई थी। परिभाषा का मतलब वहां पर प्रश्न ऐसे बना था, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याधि मर्यादित हो कहते हैं, तो वो भी क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ये तो सबको पता, हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये नया चीज है, जिस विकारी शब्द से, क्योंकि हमने आपको बताया था विकारी कौन कितने होते हैं, चार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। तो हम ये लास्ट विकारी पढ़ रहे हैं, इसके बाद अव्यय जो पढ़ेंगे वो अविकारी होता है ना। तो पूछा इसमें ये परिभाषा दी है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो, मतलब संज्ञा को मर्यादित करे जो, उसको क्या बोलते हैं? मतलब जिसकी विशेषता बतलाए, जिसकी वो विशेषता हो वो क्या कहलाता है? वो हमारा विशेषण कहलाता है। तो ये टीजीटी और केवीएस का प्रश्न है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, आगे जो हमारे यूपी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि विशेषण के कितने पार्ट होते हैं, विशेषण के दे दिया था 2, 4, 3, 5। तो हमको पता है कि विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये चार भेद हैं विशेषण के। ये प्रश्न यूपी पुलिस और यूपीएसआई के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट बीएड में भी ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम गुणवाचक पढ़ेंगे तो गुणवाचक के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। संख्यावाचक के हम दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला एक होगा निश्चित वाचक और एक होगा अनिश्चित वाचक, क्योंकि कोई भी संख्या या तो निश्चित होगी या फिर अनिश्चित होगी। परिमाणवाचक में भी यही बात होती है, या तो वो निश्चित होगा या फिर अनिश्चित होगा। और सार्वनामिक विशेषण, ये सर्वनाम की विशेषता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें या तो मौलिक होगा या फिर यौगिक होगा। आइए आज हम अध्ययन करते हैं गुणवाचक विशेष, गुणवाचक सर्वनाम, सॉरी गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण जो है, गुणवाचक विशेषण हमेशा गुणवाचक, ये आपकी गुण विशेषता। जैसे मैं बोलूं कि राम अच्छा है, मैं बोलूं राम अच्छा है, तो वो अच्छा है क्या? वो विशेषता उसकी हो गई। तो राम अच्छा है, अगर गुणवाचक विशेषण की हम बात करेंगे, गुणवाचक विशेषण की हम बात करेंगे, तो ये संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। जैसे मैं बोलूं कि वह काला है, तो काला उसकी क्या है? विशेषता है। मैं बोलूं कि वह लंबा है, तो उसकी क्या है? वो विशेषता है। लेकिन प्रश्न वैसे नहीं आते हैं। अब प्रश्न ये दे के देने लगा है, निम्न में से ये है कालबोधक, रंगबोधक, आकार बोधक, ये क्या है? यहां से प्रश्न दे दिया कि मोहन बहुत मोटा है, मैं दे दिया रेखांकित शब्द होगा, तो वो दे देता है कभी कभी विशेषण। ऐसे डायरेक्ट दे विशेषण, उसमें दे गुणवाचक विशेषण। अगर गुणवाचक दे दिया, विशेषण तो प्रीफर करेंगे कब, जब गुणवाचक नहीं दिया रहेगा। लेकिन अगर उसने गुणवाचक ऑप्शन में दे दिया तो आप उसको गुणवाचक ही मारेंगे। आइए पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं? जिस विशेषण शब्द से, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या हो? तो उनका गुण, दोष, रूप, रंग, आकार जिससे बोधित हो, वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए देखते हैं। अब यहां से ये जो दिया है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, ये आया था यूपी पुलिस के पिछली बार के एग्जाम, यूपीएसआई में भी आया था,
वहीं से ये प्रश्न उठा था कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसलिए मैं अभी से आपको आगाह करना चाहूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है या टेट के किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। देखते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला कालबोधक, दूसरा दशाबोधक, तीसरा स्थान बोधक, चौथा रंग बोधक, पांचवा आकार बोधक, छठा गुण बोधक और 7वां हमारा होता है दृष्टव्य बोधक, है ना। अब आइए हम चर्चा करते हैं काल बोधक। काल मतलब हमने आपको जब काल पढ़ाएंगे हमारे, काल मतलब यही होता है समय। काल मतलब क्या होता है? समय। समय या तो हमारा नया होगा, या जिसे कोई व्यक्ति है या तो नया होगा या पुराना होगा, या तो वह नवीन होगा या तो प्राचीन होगा, है ना। तो अब जिसे कोई नया होगा या पुराना, या तो ताजा कोई चीज होगा या तो बासी होगा, या फिर मौसमी होगा या फिर वो प्राचीन। इस प्रकार के जो भी जो समय को दर्शाएं, जो समय को बताएं, वो हमारे किस श्रेणी में आते हैं? वो हमारे आते हैं कालबोधक, ठीक है। दूसरा है दशा बोधक। दशा क्या होती है? आपकी दशा कैसी है? आप मोटे हैं, दुबले हैं, भारी हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, जैसे अब आप जो पहने हो गीला है कि सूखा है, है ना। इस प्रकार के जो भी, जैसे नया हमने बोल दिया मोटा पतला, जैसे मैं बोलूं कि मोहन बहुत मोटा है, ये हमारा कौन सा विशेषण है? तो हम तुरंत बताएंगे ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। आगे हम चर्चा करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि वह युवा नेतृत्व को धार दे रहा है। जैसे मैं बोलूं कि वह युवा नेतृत्व को धार दे रहा है, तो नेतृत्व तो अपने आप में क्या है? जब लेकिन हमने उसमें लगा दिया युवा नेतृत्व जब हमने लगा दिया, तो वो युवा हमारा क्या है? विशेषण है ना? जैसे मैं बोल दूं कि वह है बहुत वृद्ध है, वह वृद्ध है, हमने मैंने बोल दिया वह वृद्ध है, तो वृद्ध मतलब हमने उसकी जो है दशा को बताया ना, हमने उसकी किसको बताया? हमने उसकी दशा को बताया। आगे हम पढ़ते हैं स्थान बोधक। ये बताइए, या तो स्थान क्या होगा? या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, या फिर दाएं होगा या फिर बाएं होगा, ऐसा ही तो स्थान हो सकता है। अब स्थान में, अब देखिए, ये जो हमने लिखा पंजाबी मद्रासी चीनी, अब यहां से प्रश्न बना था यूपी पुलिस में और टेट में प्रश्न बन चुका है कि मद्रासी भाषा बोली जाती है में रेखांकित शब्द है, इसमें मद्रासी के नीचे लगा दिया था रेखांकित शब्द होगा, तो दे दिया था गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनौमिक विशेषण या संज्ञा, ये दिया था। तो तुरंत इसको बिना देखे, क्योंकि ये हमारा क्या? स्थान बोधक गुणवाचक शब्द, गुणवाचक विशेषण है, और जब इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा स्थान बोधक विशेषण। अगर स्थान बोधक दिया है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम गुणवाचक विशेषण को प्रिफर करेंगे, और गुणवाचक विशेषण नहीं दिया है, अगर केवल विशेषण दिया है तो हम उसको प्रिफर करेंगे। इतनी बात क्लियर है। आगे हम पढ़ते हैं रंग बोधक। रंग बोधक आप सबको पता है कि जो रंग को प्रदर्शित करे, रंग को दिग्दर्शित करे, अर्थात रंग में क्या होगा? या तो काला होगा या फिर पीला, लाल, नीला, हरा, भूरा, कोई जो जिसका कुछ रंग हो, आसमानी। अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है? इसे मैं बोलूं कि उसकी साड़ी आसमानी है। उसकी साड़ी कैसी है? देखिए, आप एक ट्रिक बता दें आपको विशेषण याद करने, कैसी, है ना, कैसी, कैसा, जैसे ही प्रश्न में आप करेंगे आपको विशेषण ज्ञात हो जाएगा। कैसे, जिसे मैं बोलूं कि रोहन कैसा है, तो रोहन नया है या पुराना है? रोहन ने कपड़ा कैसा पहना है, तो रोहन लाल कपड़ा पहना है। रोहन का, रोहन कैसे जो है, कैसा है, तो रोहन पतला है। रोहन कहां गया है, तो रोहन ऊपर नीचे। तो ये कैसे और कहां, इतना आप कर लेंगे ना प्रश्न में, आप करिए किसी भी प्रश्न में, अगर इसका आंसर मिल जाए तो आपको सर्वनाम, जो ये गुणवाचक सर्वनाम है, सॉरी विशेषण है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी सर्वनाम शब्द हो या संज्ञा शब्द हो, उसके उससे पूछिए। जैसे मैं बोलूं वह कैसा है, वह क्या है? एक सर्वनाम है। और मैं पूछूं वह कैसा है, मैं सेंटेंस लिखा हुआ मोटा है, तो हमको जवाब मिलेगा मोटा है, है ना। तो अगर जैसे हमको जवाब मिला कैसे, ये मैं 100% नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप 99% चीजों में, आप 99% वाक्यों में देखेंगे कि इस प्रकार का अगर कोई शब्द दिया है वो विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं, हमने स्थान बोधक पर चर्चा करी, रंग बोधक पे। जैसे मैं बोलूं कि उसकी साड़ी आसमानी है, प्रश्न बनता है यूपी ट्रिपल एससी में, ट्यूबल ऑपरेटर में, तो उसकी साड़ी आसमानी है, तो आसमानी शब्द होगा, तो अब कंफ्यूज।
अध्ययन का ही परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, जहां ये सबसे कंफ्यूज करता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सबसे कंफ्यूज करता है। सर्वनामक विशेषण आदमी को लगता है कि सर्वनामक विशेषण है, जैसे मैं बोल दूं कि साड़ी, वह साड़ी, उसकी साड़ी आसमान तो उसकी है, ऐसे सर्वनामिक है तो इसमें समस्या। लेकिन आप अगर ये पढ़ लिए कि गुणवाचक का ये पार्ट एक है, रंग बोधक, तो आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। तीसरा हम लोग ये पढ़ लिए रंग बोधक, चौथा पांचवा पढ़ते हैं आकार बोधक। देखिए आकार कैसा होता है, आकार कभी मोटा होता है क्या, मोटे आकार का है नहीं, या तो वो लंबा होगा या फिर चौड़ा होगा, या तिकोना होगा या गोल होगा या लंबा होगा या सुडोल होगा, यही सब, ये सब क्या होता है, आकार को दर्शाता है, वो उसका आकार बहुत बड़ा है ऐसा होता है, आकार बहुत छोटा है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना आकार उसका मोटा है। मोटा पतला ये हमेशा दशा को दर्शाएंगे, हम किसी की दशा को जब बताएंगे तो हमेशा मोटा पतला रखेंगे, और जब आकार को दर्शाएंगे तो लंबा चौड़ा तिकोना गोल सुडौल ठीक है छोटा बड़ा ये सब रखेंगे। अब आते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मोहन लंबा है, तो मोहन है, मैं बोल दूं मोहन है, सेंटेंस इनकम्प्लीट, मैं बोलूं मोहन लंबा है, मोहन काला है ना, तो मैं बोलूं मोहन काला है, जब काला हमने बोल दिया कि हम किसको दिग्दर्शित कर रहे हैं, ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। आगे चलते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि उसका स्वभाव बहुत ही सरल है, उसका स्वभाव, मैं जो बोलूं बहुत, ये इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, ये विशेषण का विशेषण है ना, ये जो विशेषता की बता रहा है, किसकी विशेषता, विशेषण की विशेषता बतला रहा है, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा आपसे, आप निश्चिंत रहें। मैं बोल दूं कि मोहन बहुत सरल है, मैं बोल दूं अभिषेक बहुत ही तल्लीन है, मैं बोल दूं अभिषेक बहुत ही सरल व्यक्तित्व का है, तो मैं इसमें क्या सरल क्या है, या तो अब गुणवाचक, ये हमारा गुणबोधक हो गया है ना, गुणबोधक क्या है, सीधा सरल सच्चा झूठा, ये हमारा क्या है, यही तो गुणबोधक है। या तो जैसे मैं बोल दूं कि वह बहुत ही झूठा है, फेकू बोल दूं, बड़ा फेमस शब्द फेकू है ना, तो वह बहुत फेकू है, फेकू क्या है, ये हमारे गुण को बता रहा ना, वैसे मैं अगर झूठ बोलता हूं ज्यादा तो मैं ऐसे कोई ऐसे कहेगा ना वह बहुत झूठा है, तो झूठा हमारे किस में आएगा, लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि वह बहुत सच्चा है तो सच्चा हमारा किस में आएगा, क्योंकि गुण है ना, अब गुण में है, गुण में भी गुण है, वो है ना, गुण का भी गुण है, गुण तो कई होते हैं और गुण का भी गुण है, इसलिए इसको गुण बोधक बोलते हैं। दृष्टव्य, दृष्टव्य बोधक ये देखिए एग्जाम में अब पूछना शुरू कर दिया है, जूनियर स्टैंड ने पूछा था भी, लेकिन इस पे आदमी ध्यान नहीं देता, ऐसे दे दिया ऐसे, इसमें होता क्या, बड़ा सा छोटा सा पीला सा लाल सा नीला सा है ना लंबा सा तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि एक योजक चिन्ह लगाकर सा लगा देगा या फिर लंबा सा दे देगा ना। ऐसे मैं बोलू कि वह तो लंबा सा, वह जो लंबा सा लग रहा था, वह जो लंबा सा लग रहा था, तो जब हमने अब बोल दिया रेखांकित शब्द, लंबा सा को रेखांकित कर दिया, ऐसे पूछता है रेखांकित शब्द होगा, तो जैसे ही पूछा रेखांकित शब्द होगा, आप बिना देखे अगर दृष्टव्य बोधक दिया है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर ये नहीं है, ये दिया है तो इसको प्रिफर करेंगे, ये भी नहीं दिया है, संज्ञा सर्वनाम पूछा है तो आप इसको टिक करेंगे, आदरणीय विशेषण महोदय को टिक करेंगे। देखिए विशेषण का ये जो पाठ था, हमने केवल अभी गुणवाचक पढ़ा है, अभी हमने संख्यावाचक परिमाणवाचक और सर्वनामक विशेषण पर चर्चा करना बाकी है, अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।